सरकार तो हमारा घर उजाड़ दिल के हम सब नहीं रही उजाड़ तो कहिए अब टूटले फाटले है टाली वाला घर तो नहीं उजाड़ जबरदस्ती घर उजरबा दिल नहीं उजाड़बे नहीं तो बोल को बजट होते तरह कैंसिल कर देव नहीं देव तो वही के डर से हूं अब गौवा समाज में मिल के चलिए तब गौवा समाज मिल के उजाड़ दे अब उजाड़ दिल के बोलो कनिके दिन में शुरू भे कनिके दिन में नहीं कह दिल के देखिए बेटा 3 साल भ गए आ 3 साल में दसा बीत गए बउआ सब कथी कहू घर बोलू उजाड़ देवे बोलू अब उखाड़ दिल्क बोलू साले भर में बना देवे नहीं बना दिल्क हमारा 3 बरिस भ गए अब देखू घर उजाड़ दिल्क अभी हमारे कह दी बना दू अरे थम थम बन जाती अभी देखू 3 बरस भ गए तो हम बाल बच्चा के सबके ठंडी पकड़े है वही चलते हम देखियो पलियो फाट गए और हमारे दिक्कत है अब वर्षा हो और हमारे और तकलीफ हो। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत करना चाहन्छु कार्यक्रम जनचासो में चिंता चासो र गुनासो सहित को हर एक आवाज जनता को अदालत में दूध को दूध र पानी को पानी छुट्याउने जिम्मा यहाँहरुलाई हामी प्रदान गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम जनचासो में आज हामी यस्ता विषय उठाउन गइरहेका छौं कि जुन विषय तपाईलाई सुन्दाखेरि मान्छेको जिन्दगीमा एउटा सपना हुन्छ कि एउटा घर राम्रो घर बनाऊ भनेर तर त्यही घर नबन्दाखेरि मान्छेलाई कति दुःख लाग्छ कति पीडा हुन्छ आज हामी यही विषय उठाउन गइरहेका छौँ। यतिखेर हामी महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 यो भङ्गा गाउँमा छौँ जहाँ 3 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले गरिबहरूलाई एउटा पक्की घर बनाइदिने भनेर भएको छाप्रो पनि भत्काउन लगाएर पक्की घरको काम सुरुवात गरेको थियो निर्माण गर्नको लागि तर 6 महिनामा बन्ने घर 3 वर्ष बितिसक्दा पनि यो घर अहिलेसम्म अधुरै छ। छाना लागेको छैन झ्याल ढोकाको त कुरै छोडौँ। यहाँका स्थानीयहरू यो बढ्दो पौष र माघको जाडोमा पल पल बाँचिरहेका छन्। परालको छ्यान त्यही परालको गुन्द्री ओढेर आफ्ना रातहरू काटिरहेका छन्। आज बाँचे भोलि फेरि सपना देखौला भनेर यहाँका स्थानीयहरू रात पछि अर्को बिहानको लागि कामना गर्छन्। आजको रात बाँचे फेरि अर्को भोलिको रात चाहिँ बाँचौला जसो तसो भनेर यहाँका स्थानीयहरू बढ्दो जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर बाँचिरहेका छन्। पल पल मरेर पनि बाँचिरहेका छन्। दुःखद कुरो आज तपाईँहरूको बिचमा म उठाउन गइरहेका छु। यस्ता एकजना व्यक्ति हामीले गत साल पहिलो सत्ता पौषमा यो भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 यो भङ्गा गाउँको एकजना जुल्मा सदाको कथा तपाईँहरूको बिचमा हामी सेयर गरेका थियौँ। देश विदेशमा यो जुल्मा सदाको अनुहार जुन घर नबन्दाखेरि उहाँ जुन रोनु भएको थियो पीडाले त्यो दृश्य देशभरि नै चर्चाको विषय रह्यो। 1 वर्ष बित्यो घर पनि अधुरा छन् तर जुल्मा सदाको सपना अधुरै रह्यो उहाँ यो संसारमा आज हुनुहुन्न। दुःखद साथ यो जानकारी गराइरहँदा हाम्रो मन कता न कता दुखिराखेको छ। सरकारका निकायहरूलाई के भइराखेको छ हामीलाई थाहा छैन। जुल्मा सदा आज यो दुनियाँमा हुनुहुन्न। उहाँ 2-3 वटा जार काटेर बिरामी पर्नुभयो। गत असार साउन भदौको बर्खामा उहाँ ओत नपाएर यो संसार छाड्नुभयो। गरिबका लागि यो एउटा नियति भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा 8,000 गरिबको यस्तै हालत छ। जुल्मा सदाको परिवारले अहिले भोगिराखेको हालत यस्तै छ। उहाँको श्रीमतीको नाम हो मुनिश्री सदा। उहाँको परिवार अहिले यो सुखमा बाँचिराख्नु भएको छ। घर पनि छैन पति पनि छैन एकजना छोरा 4-5 साल अगाडि कुकुरले टोक्दा उपचार गर्न नसकेर यो संसार छाड्नु पर्यो। त्यसपछि मुनेश्रीले आफ्नो पति गुमाउनु पर्यो। यस्तै पीडामा मुनेश्री बाँचिराख्नु भएको छ। भङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 यो भङ्गा गाउँमा 19 जनाको घर बन्दैछ जसमध्ये 3 जनाले त घरमा 1 रात पनि बिताउन नपाउँदै उहाँ यो संसारबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। पक्की घरमा 1 रात पनि सुतेर जिन्दगी ओहो सुन्दर रहेछ सुखी रहेछ भनेर सपना देखेका ती 3 जना त घरमा सुत्न नपाउँदै त्यसको स्वाद नपाउँदै यो संसारबाट बिदा भइसक्नु भएको। मेरो नाम हेले मुनिश्री प्रधान 3 नम्बर वार्ड
सीतापुर भंगा घर हमर पति गुजर गेलै कंकी बोलू वर्षा भेलै घर बोलू उजारि देवे बोलू आ उखाड़ देलकै बोलू साले भरि मे बना देबे नहि बना देलकै हमरा तीन बरिस भ गेलै तेसरमे बेटो गुजर गेलै बेटोके लगेली जनकपुर भरना कैलियै नहि कलकै कुत्ता काटि लेलकै तऽ लगेली जनकपुर तऽ ओ बेटा गुजरि गेलै पति गुजरि गेलै पाँच गो पोती हइ दू गो पुतौ हइ बेटा अपाङ्ग हइ घर बेगर दशा अन्न पानि बेगर दशा लत्ता कपड़ा बेगर दशा आ पतियो रहितै तऽ बूढ़ो समय तऽ ओ कमा के लैतै तऽ पोता पोती खैतै तऽ तीन बरिस भऽ गेलै घरके तोड़ला नहि घर बनबै हइ गोहिया टाटी मरि गेल रहब झाँटि बिहारमे रखलियै आब जाड़ ठाड़मे मरि गेली की दुख भऽ रहल छै घरमे मेला कारण बड़ दुख छै लत्ता कपड़ाके खेनाइ पिनाइके घरके सबकिछुके बड़ दुख ओढ़ना पेढ़नाके सरकारके की कहऽ चाहै छी सरकारके ओहे मांगी छी लत्ता कपड़ा मंगबै ओढ़ना पेढ़ना घर बना दऽ कते काम भेला घर के आधा मात्र भेल है कथी कथी बने हुए अभी अभी नया अथी केबारी देने है अथी देने है खिड़की देने है ने चदरा देने है अब चार से मरि तपाईहरुले यतिखेर हेर्नु भयो मुनिश्री सदाको दुख अहिले वहाँ पल पल भनेर पनि बाँचिराख्नु भएको छ यो बढ्दो शीतलहरमा बिहानदेखि साँझसम्म चिसो हावा चल्छ राति शीतलहरसँगै जाडो बढ्छ पराल ओछ्याउनुहुन्छ पराल नै ओढ्नुहुन्छ र सुत्नुहुन्छ रात काट्नुहुन्छ उहाँको सपना थियो कि एउटा पक्की घर हुनेछ हाम्रो त्यसपछि हामी सारा परिवार पक्की घरमा रात काटौँला न जाडोले छुनेछ न बर्खाको हुन्डीले हामीलाई छुनेछ तर दैवको आँखा लाग्यो कसले सराप्यो उहाँले पति गुमाउनु पर्यो तीन जाडो बल्ल बल्ल काट्न भ्याउनु भएको जुलमा सदा उहाँको श्रीमान भदौ 10 गते यो संसारबाट बिदा लिनु पर्यो यतिखेर हामी एकजना रजिया देवी सदाको कथा सुनाउँदैछु तपाईँहरूको बिचमा उहाँको घर पनि यो तीन वर्षमा बन्न सकेको छैन जनता आवास नाम दिएको यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ नाम चाहिँ जनता आवास काम चाहिँ गरिबको उठीवास यस्तै भएको छ छ महिनामा बनाउने घर तीन वर्ष बितिसक्यो तर घर हेर्नुहोस् छाना छैन ढ्याल ढोका छैन जाडोमा हावा वात्तै पस्छ शीतलहर माथिबाट स्वाट्टै पस्छ परालमा यहाँका स्थानीयहरू सुत्न बाध्य छन् भएका छाप्रो पनि पक्की घरको सपनामा भत्काए यहाँका गरिबहरूले तर पक्की घरको सपना अधुरै छ रजिया देवी सदा भन्नुहुन्छ कि गरिबहरूको भगवान सरकार हो तर हाम्रो लागि सरकार पनि दुश्मनभन्दा पनि यति दुःख दिइराखेको छ सरकारले कि भएको छाप्रो पनि भत्काइदियो र घर पनि अल्पत्र छोडेर सरकारका निकायहरू कता हराएका छन् हामी खोज्दै हैरान भएका छौँ बाबा सरकार त हाम्रा घर उजाड़ दिल्कै हमसँग नै रहली उजाड़ तऽ कहलियै अब टुटले फाटले अइबे टालीवला घर तऽ नहि उजाड़बे जबरदस्ती घर उजड़बा देलकौ नहि उजाड़बे नहि तऽ बोलू कोनो बजेट हेतौ तोरा कैंसिल कऽ देबू नहि देबू बोलू तऽ ओहिके डरसँ हुन आब गौआ समाजमे मिलके चलियै तब गौआ समाज मिलके उजाड़ि देलकै आब उजाड़ि देलकै तऽ बोलू कनिके दिनमे शुरू भऽ जेतै कनिके दिनमे नहि कऽ देलकै देखियौ बेटा तीन साल भऽ गेलै आ तीन सालमे दशा दशा बीत गेलै बौआ सब कथी कहू कना यौ कथी कहै छी बड़ दशा हमरा सुनके बड़ दशा हे चाउर कमैली गहूम कमैली धान कमैली सब सड़ि गेली बेटा बुझलियै हे बीत भरिया घरमे देने रहि लत्ता कपड़ा जम्मै सड़ि गेल तीन साल कम भेलै सब सड़ि गेल सब लत्ता कपड़ा फेंक देलियै आ एखन तऽ बड़का अथीमे छी समस्यामे बौआ हम पोरा बिछबै छी दै छियै पोरा हे निकालली पोरा बिछा लै छियै आ एगो दूगो हे ओढ़ना पेढ़ना खिड़की उड़की झल उल सब लगा लै छी नुआ बतरके कथी कहै छी ओनुआ बतरके झल लगा लेने छियै आ हे सुतै छै ने तऽ पोरा ओढ़ि लै छी बौआ ब्लैकेटो न हय ने कमर हय कथी ओढ़ू कहू न यो बढ्दो जाडोमा न्यानोको अभावमा मान्छेहरू बिरामी परिरहेको त हामीलाई थाहा नै छ यो जनता आवास कार्यक्रम अल्पत्र परेपछि भङ्गाका स्थानीयहरूलाई दुःख यति छ कि त्यसको कुनै सीमा छैन
यहाँका स्थानीयहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई साना शिशुहरूलाई प्रालमा सुताउन बाध्य छन् किनभने घर नै छैन। कमोदिया देवी सदाको घरमा 16 सदस्य छन्। उहाँको घरमा 3 महिने एक शिशु र 13 दिने एक शिशु गरी 2 जना शिशुहरू छन्। तर ती बच्चाहरू पनि यो जाडोमा दुःख काट्न बाध्य छन्। बच्चाहरू जाडोमा बिरामी पर्न थालेका छन्। घर अलपत्र छ। जनता आवास कार्यक्रमले यहाँका स्थानीयहरूलाई सुख के दिनु, दुःख यति दिएको छ कि त्यो खपिसक्नु छैन यहाँका स्थानीयका लागि। नाम है कमोदिया देवी। हमरा पुतौ सबके बच्चा भेले उ सबके बीमारी पड़ गेले। शीत चुबी है, अब जाड़ ने कटवा कटवा के रखे छी बच्चा सबके। बरखा ने पानि पड़े के तब बच्चा भेले। पूस में भेली बच्चा पुतौ के जटकी के तो ओहो कटवा के ने केहनो कके खरे पतार ने वा देखलकै सर घिचलकै फोटो खरे ने सुतै छियै। आब टुकड़ा टाकरी झकला झुकली लगा के घर बना देते कि नहीं बना देते। वो पोता पोती हमारे कठुआ ये दू वही वो से जा ठार ने नहीं बना देते तो नहीं अथी कर देती तो कल बना देती तो तोड़ ली। अब तब तो ये ते दशा भोगी छी जार से। अब देखो घर उजार करके अभी हमारे से कह दीजिए बना दो अरे थम थम बन जाती। अभी देखो 3 वर्ष भाग लिया तो हम बाल बच्चा के सबके ठंडी पकड़े है। वही चलते हम देखियो पलियो फाट गए और हमारे दिक्कत है। अब वर्षा हो तो और हमारे और तकलीफ हो जाए। जाड़ में की भरे जाड़ में हमारे इतने ठंडी हम लोग दान कनकना लगे ठंड कनकना लगे। अब परिवारों के दान पृथ्वी दुखाए लगे। अब की करूँ हम गरीब आदमी की दवा नहीं कर सही थी। अब यह हमारा देखियो हमारे माई के सब दुखी एहन पड़ी तो अभी कुहरी है एहन एहन समस्या भ गेलै। सरकार के नहीं कहती घर बना दे। सरकार तो कह हम बना देवे देखियो घर बुझा दिलके। अब कहिया बन जाए 3 वर्ष भ गेलै। आज अभी तो वर्षा नहीं होइ है तो अभी ठीक छे। वर्षा होइ है तो सब क्रम बीतैया। की होइ वर्षा में? वर्षा में वह हिकी बिलकी हो जे सब पली फाड़ गेले। अब दो धोवन पुगे पनियो ने लावे सक दिए की करू। आ गांव घूमे पड़ जाए माई तैन दिलाबे थी ते बाल बच्चा के खियाबे थी। हमर नाम है देवलाल सदा भनहा नगर पालिका 2 नंबर वार्ड सियाधास। हमरा जेने जेने ढवा दे तेने तेने काम करे छे। देते उधारो ल लेने से तब अब गरीब हम कत से देब। कते उधार है? अब भाई 1.5 लाख ईटा वाला के भगल हाट बेर बेर वाला के तो देते तब न हम काम करबे। कते उधार है अभी? अभी है वो कर है 1 लाख पे गेल। हां ईटो वाला के होते 50,000 पे गेल। देते गेल निकाल त कल के रेप के कत गेल छली जनक कत आपिस में। तो 3 साल से बन रहे घर अभी। हाँ तो वो घरी घरी तो वही में अति चैन हो चाहे तो अति सर सर। हाँ आई ना है तो वो ना है तो बोलो है चेक डाले थी तो बोलो नेट बारे ना काम करे है तो वो अगर आपिस बन ले तो बोलो वो बने था तो वही में जाए है बरका में रहते छोटका बन ले तो फिर देव वही में एक बार दर के दुई किस्ता मात्र देने आ दुई किस्ता में तो नेपाल सबै नेपालीको सजाग हो। सरकार सबै नेपालीको अभिभावक हो। त्यसैले गरिबहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारका निकायहरू र नेपाल सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। जनता आवास जस्तै हुनुपर्छ न कि गरिबको उठीवास गर्ने यो नारा बन्नु हुँदैन।